जिलाधिकारी और एसपी बाराबंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रमित लोगों को ये बताया है कि किसको छूट मिली है और किसको नहीं। लोगों को ये भ्रम था कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में सरकार द्वारा पूर्णतः छूट दे दी गई है, जो ये बिल्कुल गलत है और पूर्णतः झूठी अफवाह है। उन्होंने बताया कि कुछ औद्योगिक और कृषि के लिए भी छूट दी गई है, बाकी सब पूरी तरीके से उसी तरीके से चलेगा जैसे लॉकडाउन में चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और एसपी रविंद्र चतुर्वेदी ने आज मीडिया के माध्यम से लोगों को ये संदेश पहुंचाने का काम किया है कि किसको छूट दी गई है और किसको नहीं, ये साफ हो जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मामला पाया गया था और अब उसकी जांच भी निगेटिव आ चुकी है। इस समय बाराबंकी जिला पूरी तरीके से कोरोना मुक्त है, मगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी को भी कोरोना के कई मामले हैं। चूंकि बाराबंकी जिला को लखनऊ के बेहद करीब है, इसकी सीमाएं लखनऊ से मिली हुई है, इसलिए एहतियात पूरी तरीके से बरती जा रही है। शासन के आदेश पर कुछ कार्य करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में इमरजेंसी सेवाएं सक्षम अनुमति के बाद जारी रहेंगी। मेडिकल और पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे। सभी कृषि एवं बागवानी कार्य पूरी तरीके से क्रियाशील रहेगी। मछली पकड़ने का कार्य, फिश हैचरी एवं उसके चारे के लिए आवागमन जारी रहेगा। उसी तरीके से जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करने की सशर्त अनुमति दी गई है, उसको जिला अधिकारी द्वारा बताया गया है। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को मैं जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा आप लोग सब अवगत हैं, कल मैंने प्रेस नोट के माध्यम से ये शेयर किया था, हमारे जनपद में जो एकमात्र कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था उसके समस्त सैंपल्स नेगेटिव आ चुके हैं और अब वो मेडिकली जो है वो कोरोना वायरस से मुक्त समझा जाएगा। और इस प्रकार हमारे जनपद में आज की तिथि में कोई भी एक्टिव केस अब कोरोना वायरस से संबंधित नहीं बचा हुआ है, जो एक संतुष्टि का विषय है। लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अभी भी हमें बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जिस प्रकार के आसपास के जनपदों के हालात हैं, विशेषकर लखनऊ से, और हमारा जनपद सबसे निकटतम जनपद है लखनऊ का, तो हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अभी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं और अपना गार्ड हम बिल्कुल भी लोअर नहीं कर सकते हैं। और ये भी भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल तक ही लॉकडाउन था, उसके बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। हमें उतनी ही सख्ती से 3 मई तक लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करना है और केवल कुछ सीमित गतिविधियों को, और वो भी केस टू केस बेसिस पे हम लोग ने अनुमन्यता दी है। जितने हमारी कृषि से संबंधित गतिविधियाँ हैं, उन चाहे वो मेंथा की खेती हो, चाहे वो गेहूं क्रय का हो, या बाकी जितनी गतिविधियां हैं, उनको अनुमतता दी गई है। लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कहीं पे भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो ये भ्रांतियां ना रहे लोगों के मन में कि 20 अप्रैल तक ही लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन हमें 3 मई तक हर हाल में इसको उतने ही अनुशासन से आगे बढ़ाना है, ताकि हम लोग जो अभी तक के हमारे गेन्स रहे हैं, जो हमें फ़ायदे मिले हैं लॉकडाउन के, उसको हम एक तरह से स्थायी रूप दे सकें, स्थायी जामा हम दे सकें। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस लॉकडाउन को हम लोग उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही अनुशासन से 3 मई तक इसका हम पालन करें। धन्यवाद।